अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी 92। मैं हूं आपका दोस्त राणा मंसूर अली। नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि गाँवों में नौजवान कैसे क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारा गांव है जी, खानेवाल के नवाही इलाका, चक नंबर 88 8NR। इसमें नौजवान रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, तो शाम को अफ्तारी से पहले असर के बाद कैसे क्रिकेट खेलते हैं ये आप देख सकते हैं कि एक इनके पास बैट है और टेप बॉल है। टेप बॉल के ज़रिए ये बॉल करवाते हैं और ये क्रिकेट खेलते हैं, अपना शौक़ पूरा करते हैं। इनके पास ना ही विकते हैं, इनके पास इन्होंने अपना देसी जुगाड़ लगाया हुआ है। वो कैसे कि ईंटों की इन्होंने विकटें बनाई हुई हैं, जो विकटें आप देख सकते हैं कि ये प्लेयर के पास और जहाँ से बॉलिंग करवाते हैं अंपायर खड़ा है उसके पास भी इन्होंने ईंटें रखी हुई हैं निशानी के तौर पर, जहाँ पर ये थ्रो लगा सकते हैं। अगर किसी का निशाना अच्छा हो तो वो थ्रो भी लगा सकता है। लेकिन इन नौजवानों के माशाल्लाह निशाने भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खेलते ही इसी तरीके से हैं, इसी अंदाज़ में हैं, तो इनके निशाने भी बिल्कुल पक्के होते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह लगाते हैं निशाने। अब ये देखें, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, इनके पीछे देख सकते हैं आप ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों की विकटें बनी हुई हैं, विकेट कीपर खड़ा है, ये बॉलिंग करवाई, ये बैट्समैन ने शॉट मारने की कोशिश की जो नाकाम हुआ। अब ये फिर कोशिश करेंगे ये शॉट मारने की। अब ये शॉट इन्होंने खेला है तो ये हवा में गेंद चला गया जो विकेट कीपर के हाथों में, और ये आउट हो गया। ये बिल्कुल देसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना वक्त भी पास करते हैं इनसे। बिल्कुल जी, इनका बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत अंदाज़ है जो मुझे तो पसंद आया है। कम खर्चे में अपना शौक़ पूरा करते हैं, क्रिकेट का जो जुनून है इनको वो अपना क्रिकेट खेलने के बाद ही अपना पूरा करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा है कि आपका ये मैच किस क्या हिसाब का है, तो इन्होंने बताया कि 4-4 ओवर हैं हमारे इस मैच के और 2-2 ओवर का भी हम मैच खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं ये, तो ये बॉलिंग भी खुद ही करवाते हैं, क्रिकेट भी खुद ही खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये प्यार मोहब्बत से अपना टाइम और वक्त गुजारते हैं। ये गांव की ज़िंदगी भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी होती है, इन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना वक्त गुजार रहे हैं। रोज़े का थोड़ी देर बाद हम अफ्तारी का वक्त होगा, ये घर जाएंगे तो अफ्तारी भी करेंगे। ये तमाम जो नौजवान हैं ये मुलाजम हैं, ये अभी बैटिंग कर रहे हैं, ये एक निजी फैक्ट्री में मुलाजम हैं, तो कुछ दोस्त इसमें स्कूल के तालिबे इल्म हैं जो अभी स्कूल बंद होने की वजह से यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं। ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं जी गाँव के लोग, आपस में मिलते हैं, दुख सुख बांटते हैं, तो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो कोई ना कोई काम करते हैं, और माशाल्लाह इनकी सेहत और तंदरुस्ती भी है, ये अल्लाह पाक ने इनको अता फरमाई हुई है सेहत और तंदरुस्ती, ये अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। मज़ीद आप भी देखिए ये मुकम्मल वीडियो कि ये कैसे क्रिकेट खेलते हैं और कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं। मिल के मारता है शायद।
गाले बाहर निकल चल कैप्टन को बेइज्जत करके ग्रुप बाहर निकालते हुए यार सब तक पहले गेट चोट होगा तो फिर दो बात में किए दिए यार बोल। दो दो ओवर कर ला।